हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 मई की रात क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये रात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप महीनों से इंतजार कर रहे थे कि मुझे ये प्राप्त होगा, मेरे जीवन में ये परिवर्तन होगा, परंतु वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब क्या होने वाला है जिसे आपके जीवन में वो जो आपने महीनों पहले सुना था वो रिजल्ट अब मिलना शुरू हो सकता है, ये हम सब जानेंगे क्या आपको लाभ मिलने वाला है। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप राशिफल सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है, और जो भी आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए, क्योंकि जो गोचर में है तो जरूरी नहीं कि वैसी ही ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में हो। तो आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए, फिर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये बातें 100% सही हो। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 31 मई को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन किए थे, ये शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ किए थे, परंतु 7 मई को अस्त अवस्था में चले गए थे, जिसकी वजह से जो आपने सुना था कि ऐसा प्रभाव मिलेगा वो प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, परंतु रिजल्ट में कमी आ गई थी। अब देवगुरु बृहस्पति 31 मई की रात 1 बज के कुछ मिनट, अब देखा जाए कि हर एक प्रदेश में अलग अलग समय होता है, उसके अनुसार मिनट में डिफरेंस हो जाता है, तो हम मोटे रूप में 1 बजे ले रहे हैं। तो रात में अब स्थिति क्या होगी कि उदय अवस्था में होंगे, तो उदय अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा रिजल्ट दे सकेंगे। क्या रिजल्ट देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आय में परिवर्तन करने वाले हैं। आप बहुत प्रयास कर रहे थे परंतु आय के साधन नहीं बन रहे थे, अब 31 मई के बाद आपके जीवन में आय के साधन बनने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ में ये इच्छाओं का भी भाव है, तो आपके बहुत सारे ड्रीम भी इस समय पूरे होंगे। और यदि जो लोग मतलब जॉब कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उनको एक समस्या देखने को जरूर मिलती है कि बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, तो यहाँ पर भी कमी देखने में आएगी। और आपके जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थिति है निर्णय, क्योंकि जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो हमारे निर्णय ही होते हैं जिसकी वजह से हम आगे सफल होते हैं या असफल होते हैं। तो आप अपने निर्णय सही ले सकेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि आप जो निर्णय ले रहे थे बाद में पछतावा होता था कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और सफलताएं नहीं मिल रही हैं, परंतु ये समय होगा जिस समय आप सही निर्णय ले सकेंगे और मानसिक तनाव में भी कमी देखने को मिलने वाली है। और जो आपके कंपटीटर हैं वो भी अब आपके सामने, अब बहुत ज़्यादा अभी तक ये चल रहा था कि नहीं आप कितने भी प्रयास कर रहे हैं फिर भी सफलताएं नहीं मिल रही हैं, आपके जो कंपटीटर हैं कहीं ना कहीं वो आपको पीछे कर रहे हैं, अब आपको सफलताएं वहाँ पर प्राप्त होंगी। इस समय जोश में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है, ये बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे, परंतु कुछ सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि अब देखा जाए तो शनिदेव का प्रभाव भी आपको प्रभावित कर रहा है, तो आपको सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये रहेगी कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, जो भी निर्णय ले रहे हैं तो शांति से मतलब पूरे प्लानिंग के साथ में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बिना कोई गोल के, बिना कोई स्थिति के आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से जब आप ये समझ लें कि हाँ ये काम इस ढंग से करना है, पूरी प्लानिंग करके तब फिर आप निर्णय लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में देखा जाए तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति ना बने, अनबन की स्थिति ना बने, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ में यदि आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से हैं,
तो आपको अपने व्यापार को वृद्धि के लिए तो बढ़ाना ही है, परंतु रास्ते सही होना चाहिए, कोई शॉर्टकट या गलत रास्ता नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान राम की आराधना कर सकते हैं, राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, और साथ में आप यदि कहीं आसपास में मंदिर है तो वहाँ दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं, भगवान राम की कृपा से आपके जीवन में ये लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक कर लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।